पुराना किला एक रोचक पर्यटक स्थल और दिल्ली के सभी किलों से सबसे पुराना भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग पराशर, मेरे साथ में है विशाल कुमार गुप्ता और बिहाइंड द कैमरा सौरभ सुमन। यहाँ स्थित ये झील देखते ही बनती है। यहाँ की सुंदरता आकर्षित करती है और पानी के सुंदर फवारे सुकून देते हैं। आज हम आपको लेके आए हैं पुराना किला जो इंद्रप्रस्थ नामक स्थान पे है दिल्ली में। किंवदंतियों के अनुसार इस प्राचीन किले को पांडवों द्वारा यमुना नदी के किनारे पर खोजा गया था और ये 5000 साल से भी प्राचीन है, महाभारत काल से पहले का बना हुआ है। भारत के अंतिम शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू का राज तिलक सन 1556 ईस्वी में अकबर की सेनाओं को आगरा व दिल्ली में हराने के बाद इसी किले में हुआ था। आसपास स्थित कई रोचक इमारतें इस किले को और रोचक बना देते हैं, जैसे शेर शाह द्वारा बनवाई गई मस्जिद, अष्टभुजाकार लाल बलुए पत्थरों वाली दो मंजिला लाट शेर मंडल, अकबर को पालने वाली महम अंगा द्वारा निर्मित मस्जिद कैरोल मंजिल और शेरगढ़ के लिए दक्षिणी दरवाजा। किले की मोटी दीवारों के तीन दरवाजों पर दो तरफ बुर्ज हैं। 18 मीटर ऊंची और 1.5 किलोमीटर लंबी है दीवारें, जिन पर तीन द्वार हैं प्रवेश के लिए। ये इस किले की बावली है, अर्थात नहाने के लिए सीढ़ी युक्त कुआं। We'll be right back.
कहा जाता है कि 1545 में जब शेरशाह सूरी की मौत हुई थी तब इसका निर्माण अधूरा ही रह गया था और बाद में इस्लाम शाह शेरशाह के बेटे ने निर्माण का कार्य पूरा किया। लेकिन इस किले के कुछ भागों को किसने बनाया इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है। हुमायूं के शासनकाल में ये किला दिन पनाह शहर का गढ़ हुआ करता था। 1533 में इसकी मरम्मत हुमायूं द्वारा करवाई गई थी। चालीस में सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा कर इस किले का नाम रखा शेरगढ़। इस किले और इसके आसपास के परिसर में स्थित जगहों को दिल्ली का छठा शहर भी कहा जाता है। एडविन लुटियंस 1920 में जब ब्रिटिश भारत की नई राजधानी की रचना कर रहे थे तब पुराना किला ही राजपथ के साथ केंद्रीय रूप में जोड़ा गया। इसके पश्चात 1947 में विभाजन के समय शरणार्थियों का स्थान बना। किले की दीवारों का उपयोग किया जाने लगा थिएटर की पृष्ठभूमि के लिए 1970 में और यहां NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रोडक्शन होने लगा। वर्तमान समय में यह एक पर्यटक स्थल है। ऐतिहासिक इमारतों से घिरी बेहतरीन आर्किटेक्चर से सजी हुई। यहाँ आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जगह पे। तब तक के लिए लव यू वर्ल्ड।